आज से यहाँ पर यहाँ पर द 100 टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, जिसको पता होगा लास्ट सीज़न अगर आपने देखा होगा उसको पता होगा, जिसने को नहीं पता उसको भी मैं बताऊँगा। द 100 मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई 100, तो इस मैच ये जो मैच होंगे ना ये 100-100 बॉल के होंगे, जैसे अपन देखते हैं ना 20-20 20-20 ओवर के मैच, ऐसे ये 100-100 बॉल का मैच होता है, 100-100 बॉल पर साइड यहाँ पर मिलते हैं, तो उस टाइप का मैच होगा। और पहला मैच खेला जाएगा आज रात को 11:30 बजे, जो कि होगा साउदर्न ब्रेव और वेल्स फायर के बीच में। साउदर्न ब्रेव जो है लास्ट सीज़न की चैंपियन है, लास्ट सीज़न इसका पहला सीज़न था और साउदर्न ब्रेव की टीम ने वो वाला सीज़न जीता था। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा खेला जाता है, बस आपको पूरा वीडियो ना अंत तक वॉच करना है। बहुत से बड़े प्लेयर जो हैं आज आपको खेलते नज़र नहीं आएंगे, तो उनको आपको टीम में नहीं रखना है, वो भी आपको बताऊँगा, तो बस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले देखो, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम इस मैच की आफ्टर टॉस मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। अब देखो बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच के बारे में। 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, मैच खेला जाएगा रोज बाउल साउथैम्पटन इंग्लैंड में, और बैलेंस सर्विस है, मतलब बैट्समैन को भी यहाँ पर हेल्प मिलती है और फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ पर हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर जो लास्ट सीजन का यहाँ पर रहा था 130-160 के करीब रहा था। अब देखो द 100 के मैं आपको कुछ रूल समझा देता हूँ। देखो पहली बात तो यहाँ पर ना जो एक बॉलर है वो यहाँ पर मैक्सिमम 20 बॉल डाल सकता है। T20 में 24 बॉल डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 20 बॉल डाल सकता है। और 20 बॉल भी वो कैसे डाल सकता है, एक बार में वो 5 या फिर मैक्सिमम 10 बॉल डाल सकता है। कि जैसे मान लो कोई बॉलर स्टार्टिंग में बॉलिंग करने आया, तो अगर उसका ओवर अच्छा जाएगा तो वो 10 बॉल भी डाल सकता है, और मिनिमम 5 बॉल तो उसको डालनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर जो साइड चेंज होते हैं ना, एंड चेंज, T20 में अपन देखते हैं हर ओवर के बाद चेंज होता है, मतलब 6 बॉल के बाद में, लेकिन यहाँ पर 10 बॉल के बाद में एंड चेंज होगा। उसके बाद में यहाँ पर हर प्लेइंग 11 मैक्सिमम 3 ओवरसीज खिलाड़ी खिला सकती हैं, और यहाँ पर पावर प्ले जो है वो 25 बॉल का होगा। T20 में 30 बॉल का होता है, यहाँ पर सिर्फ 25 बॉल का होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो पहले बात कर लेते हैं वेल्स फायर की टीम की। तो वेल्स फायर की टीम के बारे में पहले बात आपको बता दूं कि यहाँ से आपको जोनी बेरेस्टो, ओली पोप, डेविड मिलर और नसीम शाह का भी मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये जो ऊपर के 3 प्लेयर हैं ये आपको अवेलेबल नहीं दिखेंगे नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना। अब देखो इनकी तरफ से अगर कोई खेलता भी है तो मैं रिकॉर्ड सबके बताने वाला हूँ आपको। टॉम बेंटन और जो स्कोप, देखो जो स्कोप का ना लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन लास्ट सीजन ना इसने कुछ मैच में ओपन किया था, मैं आपको बता दूँ इन इसी टीम के लिए। तो जो स्कोप एक ट्रम्प साबित हो सकता है ग्रैंड लीग में। टॉम बेंटन की बात करूँ तो लास्ट सीजन इसने 8 मैच खेले थे, उसमें सिर्फ 96 रन किए थे, बहुत गंदा गया था लास्ट सीजन। रिसेंट फॉर्म देखो, मैं आपके लिए हर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म भी लेके आया हूँ, मतलब जो लास्ट के इसके 5 मैच हैं, तो इनके अगर आप लास्ट के 5 मैच देखोगे तो 0-39-9-73-12, मतलब 2 मैच में अच्छा गया है लास्ट के 5 में से, और ये हिट एंड मिस टाइप प्लेयर ही हैं। जो स्कोप लास्ट सीजन 4 मैच में 42 रन, 0 विकेट था, 3 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म इसने जो डोमेस्टिक लेवल पे खेले हुए हैं T20 के मैच, 9 रन 1 विकेट, 55 रन 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, खेलेगा तो ग्रैंड लीग का पिक बन सकता है। जोए क्लार्क लास्ट सीजन 7 मैच में 127 रन, 18 का एवरेज था, रिसेंट फॉर्म 38-5-51-0 रहा है। बेन डकेट इनकी अगर बात करूँ तो लास्ट सीजन 8 मैच में 232 रन किए थे, बढ़िया टच में थे, और रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत तगड़ा है। लास्ट के जो 4 T20 के मैच खेले हैं ना इन्होंने, उसमें देखो आप 63-10, 53 नॉट आउट, 62 नॉट आउट, बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं बेन डकेट। फिर आएंगे ऐसे ल्यूस ड्यूप प्लोय, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, लास्ट सीजन 6 मैच में 147 रन किए थे, नंबर 6 के करीब बैटिंग करते हैं, 35-2-9-2-0, रिसेंट फॉर्म इनका खराब है T20 डोमेस्टिक का। मैट क्रिचली आएंगे यहाँ पर, लास्ट सीजन सिर्फ 5 ही मैच खेले थे, उसमें 33 रन किए थे, 4 विकेट निकाले थे 16 ओवर डाल के, 16 ओवर मतलब 80 बॉल, 5 बॉल का 1 ओवर। और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 1 रन 3 विकेट, 34 रन 2 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 12 रन 1 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है इनका, इंपॉर्टेंट है। रयान हिगिन्स लास्ट सीजन 3 मैच में 12 रन 4 विकेट थे 7 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 0 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट है। एडम जैम्पा काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेलेंगे, ये अप्रैल से क्रिकेट नहीं खेले कोई भी, लेग ब्रेक गूगली डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, रिसेंट फॉर्म इनका देख सकते हो 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये 5 मैच की T20 सीरीज जो इन्होंने खेली थी ना आखिरी, उसका रिकॉर्ड है, और करियर में 204 मैच में 238 विकेट है। नूर अहमद जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं,
42 मैच 43 विकेट इनका T20 का रिकॉर्ड है, जबकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट है। जैक बॉल 3 मैच में 2 विकेट थे, लास्ट सीजन स्टार्टिंग में बोलिंग करवाते हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म आप देखो इनका T20 डोमेस्टिक का 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, बहुत तगड़ा फॉर्म है। और डेविड पाइन लास्ट सीजन 7 मैच में 6 विकेट थे, ज़्यादातर मैच में अपने पूरे 20 बॉल डाल रहे थे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट और 0 विकेट है। तो देखो यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ अभी के लिए टॉम बेंटन, जो एक क्लार्क को रख सकते हो, बेन डकेट को रख सकते हो मेरे हिसाब से, मैट क्रिचली बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, एडम जैम्पा को रख सकते हो नीचे से, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। बेंच पे जो प्लेयर है उनके भी स्टेट्स देख लो, अगर कोई खेल जाए जॉनी बेरेस्टो का आप देख लो, तो लास्ट सीजन सिर्फ 2 ही मैच खेला था लेकिन उसमें 128 रन किए थे, और रिसेंट फॉर्म आप देख ही रहे हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 90-30 और 27 करके आ रहे हैं। ओली पोप, इन्होंने अपने T20 डोमेस्टिक करियर में 45 मैच में 1045 रन किए हैं, रिसेंट फॉर्म अगर आप T20 का इनका देखोगे तो 31 नॉट आउट 62 37 नॉट आउट 11 है। डेविड मिलर तो नहीं खेलेंगे क्योंकि आज इनका मैच आयरलैंड के साथ में, आपको पता ही होगा। नसीम साहब 45 T20 में 44 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये इनके T20 के लास्ट के मैच हैं। सैम हैन लास्ट सीजन 1 मैच में 12 रन थे, ओवरऑल करियर में 94 मैच में 2774 रन है, रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 18-0-25-9-11 रहा है। यहाँ से आएंगे जैकोब बेथल, T20 में इनके नाम 11 मैच में 93 रन 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 7 रन 1 विकेट 2 रन, 17 रन 21 रन और 7 रन है। फिर आएंगे यहाँ से जॉर्ज स्क्रिमशो, T20 डोमेस्टिक में 30 मैच में 40 विकेट है, जबकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग की ओर डालेंगे डेविड पाइन, जे बॉल, आर हिगिंस, डेथ की ओर डालेंगे यहाँ से जे बॉल, डी पाइन और एडम जैम्पा। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस वाली टीम का तो हो चुका है कंप्लीट, हर प्लेयर के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे साउदर्न ब्रेव की टीम की, तो इनकी टीम की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे जेम्स विंस और फिन एलन। जेम्स विंस लास्ट सीजन 10 मैच में 229 रन किए थे, रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 14-65-31-20-5 करके आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर शानदार है तो रखना पड़ेगा। फिन एलन लास्ट सीजन 8 मैच में 165 रन थे, रिसेंट फॉर्म देख लो आप T20 इंटरनेशनल में 35-14-101-6-50, अच्छे फॉर्म से आ रहा है, और ये ना अगर 20 बॉल भी खेल गया तो समझ लो 30-40 रन बना जाएगा। एलेक्स डाविस लास्ट सीजन 10 मैच में 202 रन किए थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका खराब है, 42-0-16-5-6, मैं इनका रिसेंट फॉर्म बता रहा हूँ, देखो प्लेयर कुछ भी कर ले भले से। मार्क स्टोइनिस की बात करूँ तो ये मेरे हिसाब से नंबर 4 के करीब खेलना चाहिए, ये लास्ट सीजन नहीं खेला था, ये ओवरऑल T20 में 198 मैच में 4069 रन 31 का एवरेज, 87 विकेट है। रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे T20s का तो 9 बैटिंग 9 और 38 2 विकेट है। बॉलिंग क्या है ना, ये अभी से इन्होंने स्टार्ट किए थोड़े टाइम से। टिम डेविड लास्ट सीजन 2 मैच में सिर्फ 15 रन थे, T20 में ओवरऑल 114 मैच में 2556 रन है, रिसेंट फॉर्म इनका भी बहुत ख़राब है, 7-12-4-10-8 हैं। रॉस वाइटली लास्ट सीजन 10 मैच में 133 रन थे, रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 12-16 नॉट आउट 24-27-22, मतलब स्टार्ट हर मैच में इनको मिल रहे हैं। जॉर्ज गार्टन की बात करूँ लास्ट सीजन 9 मैच में 10 विकेट इनके नाम थे, 31 ओवर डाल के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो बॉलिंग से अच्छा नहीं है, 24 रन 0 विकेट 31 रन 7 रन 0 विकेट 37 रन 0 विकेट, मतलब बैटिंग तो इन्होंने अच्छी की है रिसेंटली लेकिन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। क्रेग ओवरटन इनका भी खेलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने अभी इनको टीम में रखा है, लास्ट सीजन 3 मैच में 3 विकेट थे, रिसेंटली अभी इंडिया वाली सीरीज का इनका रिकॉर्ड है ये, 8 रन 0 विकेट 10 रन 0 विकेट 32 रन 1 विकेट, ODI का रिकॉर्ड है, मैं आपको बता भी दूँ, बाकी सब प्लेयर का T20 का है। क्रिस जॉर्डन 10 मैच में 54 रन 9 विकेट थे लास्ट सीजन, इंपॉर्टेंट बॉलर है, और रिसेंट फॉर्म 11 रन 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 14 रन 1 विकेट। तयामल मिस लास्ट सीजन 10 मैच में 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। जैक लिंटोट लास्ट सीजन 9 मैच में 11 विकेट थे, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, जेम्स विंस है, फिन एलन को मैं रखूँगा, मार्कस टोनिस को रखूँगा, नीचे से मैं यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, तयामल मिल्स और जैक लिंटोट को रखूँगा। बेंच पर जो प्लेयर है उनके भी स्टॉट्स देख लो, माइकल होगान है, इनके नाम अगर आप देखोगे T20 में 108 मैच में 125 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। क्विंटन डिकॉक नहीं खेलेंगे। जॉय वेदरली T20 डोमेस्टिक में 49 मैच में 1068 रन है, रिसेंटली 47-8-24-9 किए इन्होंने T20 मैच में। और डेनियल मोरियार्टी की बात करूँ तो T20 में ओवरऑल 35 मैच में 31 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। और रेहान अहमद 14 मैच में 19 विकेट है, बहुत यंग प्लेयर है, 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म है। जेम्स पुलर 103 मैच में 1328 रन 120 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 7 रन 1 विकेट और 10 रन 2 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे क्रेग ओवरटन अगर खेलते हैं तो वो, और तयामन मिल्स, डेथ के ओवर डालेंगे क्रिस जॉर्डन और तयामन मिल्स।
एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर्ड कर दी हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। डेमो टीम में देखो अभी के लिए मैंने किसको रखा है, विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है टॉम बेंटन को, बैटिंग सेक्शन से जेम्स विंस, बेन डकेट, फिन एलन को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मार्कस स्टोइनिस और मैट क्रिचली को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से एडम जेम्पा, क्रिस जॉर्डन, जैक लिंटोर, डी पायन और तयामल मिल्स को रखा है। तो ये 11 प्लेयर मेरे अभी के लिए हैं। कैप्टन स्टोइनिस है, वाइस कैप्टन विंस है, लेकिन देखो फाइनल टीम डिसाइड होगी आफ्टर टॉस, क्योंकि कुछ प्लेयर हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है, वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।